कांग्रेस का कल्चर, सबका साथ सबका विकास है। डॉक्टर आजम बैग। नमस्कार आदाब, फर्स्ट न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर नाई की थड़ी में डॉक्टर आजम बैग का नागरिक अभिनंदन। जयपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आजम बैग को पार्टी आलाकमान द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद उनका देश भर में जगह जगह स्वागत व सम्मान का सिलसिला जारी है। सम्मान की इसी कड़ी में दिनांक 2 जनवरी 2022 को नाई की थड़ी स्थित JLN चिल्ड्रन अकेडमी में नाई की थड़ी विकास समिति एवं JLN ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की ओर से जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न समाजों की कई हस्तियां मौजूद रही तथा क्षेत्रीय वरिष्ठ जनों ने डॉक्टर आजम बैग का जोशो खरोश के साथ स्वागत किया। अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन में डॉक्टर आजम बैग ने अपनी बात कुछ इन जुमलों के साथ शुरू की कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह कौमा मिल्लत का नाम कभी नीचे नहीं होने देंगे और सभी स्तर पर समस्याओं का समाधान करने में अपनी ओर से महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कभी वैचारिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करती और इसका 137 साल पुराना इतिहास है कि यह लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान से कभी वंचित नहीं रखा, बल्कि इसके लिए हमेशा संघर्ष कर जन सामान्य को मूलभूत सुविधाओं के साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में रही है। किंतु वर्तमान में यूपी और केंद्र में काबिज सांप्रदायिक शक्तियों ने मुल्क के अमन चैन और सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूती को तोड़ने का प्रयास किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी उनकी मंशा में कामयाब नहीं होने देगी। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल पिछले 5 सालों में बना वो सच्चाई यह है कि खून के आंसू होने वाला है। हम और आप उस रियासत में रह रहे हैं जहां पर मजबूती के साथ अपनी बात कह सकते हैं। 2 महीने सड़क पर बैठने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे मदरसों के पैरा टीचर्स को समान वेतन देकर उनका नियमितीकरण करके उनको राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी सरकारी स्कूलों की तरफ पर स्थानांतरण नीति बना करके समायोजित करें। गहलोत जी समय निकालकर उस हमारे भारू शमशेर खान को जगह पर पहुंच करके नींबू पानी पिला करके उसका अनशन तोड़वाते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं तो मुतमईन रहो, अगर हमने घोषणा पत्र में कोई बात की है तो हम उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। ये हम उस स्टेट पर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, इस्लाम भाई आप सही फरमा रहे थे वहां के हालात, मैं भी आपसे 5 मिनट में चर्चा करूंगा। बहुत जिसका रहनुमा राहुल गांधी, वो कांग्रेस जिसमें आमेजिश कहीं ना कहीं हो गई थी उस नजरिए फिक्र की जिसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, जिसकी नेता परम आदरणीय इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी थे। बीच में जैसे परिवार में कभी कभी गलतफहमी हो जाती, समाज में कभी कभी गलतफहमी हो जाती, हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन हम कहीं कहीं कोई गलत काम कर बैठते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि इस्लाम के अंदर कोई कमी आ गई, हमारे अंदर कोई कमी आ गई। नजरियाती सतह पर कांग्रेस ने कभी किसी भी लम्हे पर अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कांग्रेस से मुसलमानों को दूर करने की मुहिम चलाई और बेसिकली वो कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उसी कल्चर से आए थे जिस कल्चर को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस कल्चर से पीछा छूटा, आदरणीय राहुल गांधी उस कांग्रेस के नेता बने जिसकी ललकार पहली बार पार्लियामेंट के अंदर आप सुनते हैं। हिंदुस्तान की फिरका परस्त सियासत है, हिंदुस्तान के कमजोर, दलित, पिछड़ों, वंचितों, मजलूमों और पिछड़े लोगों के लिए जो आवाज पिछले 5-7 सालों में पार्लियामेंट में बुलंद हुई है उसका तमाम तर सहरा राहुल गांधी के सर जाता है। कांग्रेस की वो क्यादत जिसको परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने शुरू की है,
मैंने अभी 5-7 दिन रुकी में जाके देखा किस तरीके से गांव-गांव में उनकी मकबूलियत है। मथुरा में दलित महिला के साथ उत्पीड़न हो या बनारस में किसी गुंडर के साथ ज्यादती हो या आजमगढ़ के बिलरियागंज में एनआरसी और सीएए में पकड़े हुए लोगों को जेलों से छुड़वाना हो, उनके घरों पर जाकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने हमारे मुस्लिम भाइयों की, दलित भाइयों की, ईसाई भाइयों की, कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाई, उसको लोगों ने दिल से महसूस किया। और मैं ये मान करके चलता हूं, कांग्रेस की तारीफ में मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हम और आप कभी कभी बहुत छोटी सी बातों को लेकर के पार्टी के कारकुनान से और कांग्रेस पार्टी के उस कदावर नेताओं से नाराज हो जाया करते हैं जिसकी नाराजगी का हमको अधिकार नहीं। पठान के नाम पर, नाली के नाम पर, रोड के नाम पर और कभी कभी हमारे छोटे से फायदे के लिए ट्रांसफर के नाम पर कांग्रेस को हम 2 मिनट में गाली देने लगते हैं। आप तसव्वुर करो उस कल्चर का जब हम कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान में रहा करते थे और दूर से सुना करते थे। वो कांग्रेस की पार्टी है जिसने राजस्थान में कभी बरकतुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था। कभी हम कानों में सुना करते थे वो अनवरा तैमूर आसाम की जिसको कांग्रेस ने ही मुख्यमंत्री बनाया। कभी हम पुराने बुजुर्गों से सुना करते थे वो कांग्रेस ही तो थी जिसने बिहार में अब्दुल गफूर को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये भी हमने सुना कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अब्दुल रहमान अंतोले को कांग्रेस ने पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज तो स्टेट में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बनाना छोड़िए, पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं। 403 टिकट भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के नाम पर बांटती है। एक मुसलमान ऐसा नजर नहीं आता जिसको टिकट देकर के तुम विधानसभा में पहुंचा दो। हमारी दरखास्त इस वक्त उत्तर प्रदेश के आवाम से यह है और अल्लाह का शुक्र है हमको अपनी इस बात में पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं 10 दिन अभी उत्तर प्रदेश में रहा हूं, आजमगढ़ और पूर्व जवाहर के एरिया में 3 दिन मैंने सिर्फ वहां पर घूम फिर करके लोगों से मुलाकातें की कि वो कांग्रेस जिसने पिछले 60 सालों में हमारे सर को ऊंचा किया था, इंशाअल्लाह अजीज फिर उसी तरीके से हमारा सर ऊंचा होगा और हम इस मुल्क के अंदर कांग्रेस के साथ लगकर के उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में सरकार बनाने के काबिल हो सकेंगे। आप ये मान करके चलना, मैं कांग्रेस की तारीफ में सब कुछ भी कहूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने पद दिया है, उनकी तारीफ आपको करना ही है। जमीन पर आकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मैंने लोगों से कहा आप खुद भी फील कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार होती है हम सर उठा करके चलते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, यहाँ पर हम इस काम को कर सकते हैं। वही सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है हमको ऐसा लगता है कि अब हमारे हाथ कट गए। कोई भी बात नहीं कहेंगे कि हम हमारे नेता कभी मुलायम सिंह को बनाते हैं, कभी मायावती को बनाते हैं, अब हम हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी को बनाएंगे। और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बात की है लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वो कल्चर जो कांग्रेस ने हमको और आपको मजबूत करके बनाया था, देश जिस शक्ति की तरफ कांग्रेस के जमाने में था, हम और आप अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की सूरत हाल को एक नजर दौड़ा करके तो देखो, 4-5 जिलों के शहरों के नाम चेंज करके सरकारों को चलाना चाहते। हमने 700 साल सरकार चलाई, 60 साल कांग्रेस की सरकार चली, 15 साल मायावती की युति में सरकार रही, 15 साल सपा के मुलायम सिंह की सरकार रही है, जहां रामपुर जैसे शहर से आजम खान जीत करके आते थे। इस्लाम भाई, रामपुर के नाम से शहर की 55% आबादी उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहती, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्लियामेंट और विधानसभा की सीट है। हमने कभी नहीं सोचा कि रामपुर का नाम बदल करके अल्लाहपुर रख दो। हमने भी तो सरकारें चलाई हैं, आपको 5 साल हुए हैं दिन करके और आपने सारे शहरों को नाम बदलना शुरू कर दिया। अलीगढ़ को अलीगढ़ कर दो और इलाहाबाद को पिनाकनाश कर दो और फिरोजाबाद को फराह कर दो। 5-7-10 शहरों के नाम बदल दोगे, इससे क्या विकास बदलेगा? जयपुर का रामगंज मुस्लिम आबादी है 25-30%। आज तक किसी मुसलमान के दिमाग में भी नहीं आया कि रामगंज का नाम अल्लाहगंज रख दो या रसूलगंज रख दो। हम दूसरे मुल्कों में भी रहेंगे,
तो अपने आप को जयपुर के रामलीला बाजार करें फसल के साथ। वही सांझी विरासत मंच के राष्ट्रीय संयोजक अकबर कासमी ने कहा कि जो शख्सियत इस्तकबाल के लायक है आज उन्हीं का स्वागत हुआ है, ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। वहीं उन्होंने कौमो मिल्लत में लीडरशिप की कमी को बताया और कहा कि जो लोग दिलों पर राज करते हैं उन्हीं में से एक डॉक्टर आजम बैग है और यह हकीकत में इस जिम्मेदारी के लायक है और हमारे लीडर है। पार्टी ने यह जिम्मेदारी देकर अपना फर्ज निभाया है। वहीं उन्होंने देश में पनपती सांप्रदायिक शक्तियों पर कटाक्ष किया और कहा कि जल्द ही यह शक्तियां देश से लुप्त हो जाएगी क्योंकि ऐसे लोगों ने गरीबों की बहुत बददुआ ली है। कासमी ने आजम बेग जैसी शख्सियतों को आगे लाकर लोगों से लीडरशिप के पीछे आने का आह्वान किया। एक इसलिए मुझे खुशी है कि आप एक ऐसी शख्सियत का आपने इस्तकबाल किया है जो इस्तकबाल के लायक है, इस्तकबाल के काबिल है और स्वागत बिल्कुल उनकी शायान शान है और वो इसके हकदार है। और दूसरी मुझे इस बात की खुशी है कि जमाना हमारे ऊपर जो आरोप लगाता है, जो इल्जाम लगाता है, वो इल्जाम यही है कि मुस्लिम लीडरशिप एक सवाल या निशान बनकर हमारे मुल्क में गूंज रहा है और हमारी आवाम और लीडरशिप में दूरी पैदा हो रही है। और वो दूरी इसीलिए पैदा हो रही है कि लीडरशिप के अंदर उन शख्सियात का आना बंद हो गया है कि जो शख्सियात आवाम के दिलों में राज करती हैं और आज उसके मिसाल हमारे सामने हैं। डॉक्टर आजम बैग साहब हम सब के चहेते हैं, हमारे दिलों पर दिलो दिमाग में इनका राज है, इनकी मोहब्बत सर चढ़कर हमारे दिलो दिमाग में बोलती है। तो यही एक मिसाल है कि लीडरशिप में वो लोग सामने होंगे कि जिनका किरदार मजबूत होगा तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क की मुस्लिम आवाम अपने लीडरों का शानदार इस्तेमाल। इस मुबारक मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी की शेष लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान ने, जनाब राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान साहब ने ये एक शानदार फैसला लिया है कि अकलियतों का जो शोभा है उस शोभे का यह हक बनता है कि उस शोभे के अंदर डॉक्टर आजम बैग साहब जैसी शख्सियत से उसको रोशन किया जाए और उसको मजबूती प्रदान की जाए। इस सिलसिले में मैं कांग्रेस लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अर्ज करता हूं कि हमारे मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो पैदा हुई है और यह सूरत हाल जितनी भयानक नजर आ रही है, वंचित वर्गों के लाखों करोड़ों लोग उन लोगों के जुल्म सितम से तंग आ रहे हैं, आर्थिक मामलात में हिंदुस्तान की बुनियाद हिलाकर रखती जिन लोगों ने, मैं इस मंच के माध्यम से उन ताकतों को मैं अंदर की नजरों से इस मुल्क के नौजवान और युवा पीढ़ी को पढ़ रहा हूं और इस मंच के माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि सांप्रदायिक शक्तियां इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मुल्क से साफ होगी। लाखों करोड़ों युवाओं की, बुजुर्गों की और मजलूम औरतों की बददुआएं उनके हक में आसमान तक पहुंच चुकी है और जब तानाशाह हुकुमरान तानाशाह हो जाते हैं तो कुदरत का जलाल आता है और उनको नेस्त नाबूद करने जाता है और इस नेस्त
से आप शुरुआत कर रहे हैं। आप डॉक्टर आजम बैग साहब का जो इससे बात कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि नाई की खड़ी पर जयपुर के एक कोने में इससे बाल है। आप विश्वास कर लें कि यह इससे बाल हिंदुस्तान की दीवारों पर लिखा जाएगा इंशाल्लाह। आप क्यों लिखा जाएगा? एक अरसे के बाद इस मुल्क के मुसलमानों को इस जरूरत का एहसास हुआ है कि पिछले अरसे में हमने अपने जो लीडरशिप को कमजोर किया है वो हमें दुख दे रही है। आज हम जरूरत महसूस करते हैं कि डॉक्टर आजम बैग साहब जैसे काफी लोग हिंदुस्तान में जहां जहां है हमारी मिल्लत इंशाल्लाह उनको सर जोड़कर अपने सरों पर बुलाएगी और इस मुल्क में वापस इंशाल्लाह मानूंगी। समारोह में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव रूबी खान ने डॉक्टर आजम बैग में विश्वास जताते हुए कहा कि यूपी का ताज कांग्रेस के साथ होगा और इसके लिए डॉक्टर आजम बैग अपनी महती भूमिका निभाएंगे। वहीं जयपुर के करबला वक्फ इंतजामिया कमेटी के सचिव एवं समाज सेवी इस्लाम कापेट ने कहा कि जो यूपी पर राज करता है वह हिंदुस्तान पर राज करता है, किंतु अफसोस की बात यह है कि यूपी में कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, जिसे मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने तहकीक के बाद डॉक्टर आजम बेग को चुनकर वहां का प्रभारी बनाया है ताकि पार्टी को वहां वेंटिलेटर से निकालकर ऑक्सीजन सिलेंडर पर लाकर ऊर्जा फूके और यह काम डॉक्टर आजम बेग बखूबी करने में पूरी तरह सक्षम है। हमारी माइनॉरिटी की, हमारे मुसलमान और एक हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल को बदलने में बहुत बड़ी रोल निभाएगी इंशाल्लाह। जब अभी 6 महीने हुए उन्हें आए हुए, लेकिन उन्हें जैसे ही आए एकदम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हलचल हो गई। हिंदुस्तान में तूफान सा आ गया और एक ऐसा तूफान जिसमें हम सबको अपने मुस्तकबिल के रंग दिखने लग गए। ऐसे में जब यूपी जैसे सूबे की वो सूबा जहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मुस्तकबिल को डूबता हुआ देख रहे थे, ऐसे जुल्म सितम हो रहे थे, जहाँ तानाशाही उनके पूरे चरम पर थी जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे में जब पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में से हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो चुन चुन के हीरे की पारखी नजर रखते हैं, उन्होंने आजम भाई को जिम्मेदारी दी, तो मुझे नहीं लगता यूपी का ताज कांग्रेस के सर पे होगा और वो ताज की पूरी की जिम्मेदारी होगी, वो ताज हमारे आजम भाई के सर पे होगा। इसी दुआ के साथ मैं सुनना चाहती हूँ और हम सब सुनना चाहते हैं उस शख्स को जो यूपी की नैया पार लगाएगा और कांग्रेस के गले में जीत का हार डालेगा, हमारे आजम मकसद है उसके तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूपी का इलेक्शन सर के ऊपर है और सब जानते हैं कि यूपी के अंदर कांग्रेस लगभग मर चुकी है। यूपी वो स्टेट है, हिंदुस्तान का छोटा काम नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने डॉक्टर आजम बैग साहब को दी है। मैं आप लोगों से भी ये दुआ करता हूँ कि आप डॉक्टर आजम बैग साहब के साथ हाथ में ये भी दुआ करें कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने जिस विश्वास के साथ में कांग्रेस पार्टी ने इनको जो जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी को ये अच्छे तरीके से जो है उसको पूरी करें ताकि कांग्रेस को भी फायदा हो और हमारे